नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें कि बताया गया था सरकार ने जो अपने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी है, और वो डीए में बढ़ोतरी सरकार ने 5% की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो था 12% से बढ़ के 17% अब हो गया है। अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रैवलिंग अलाउंस तथा टीए में भी बढ़ोतरी कर दी है। ट्रैवलिंग अलाउंस केंद्रीय कर्मचारियों को घर से उनके ऑफिस तक की दूरी को तय करने के लिए दिया जाता है, यानी कि रोज आने जाने के लिए खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है। केंद्रीय सरकार ने अब इसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ ही दिनों के भीतर एक बड़ा और तोहफा दिया है। दरअसल सरकार इस हफ्ते पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए और सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी है। अब सरकार ने एक बार डीए में 5% इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रेवल अलाउंस अर्थात डीए को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार सीजी कर्मचारियों के अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी करेगी, जिससे उनके वेतन में 810 रुपये से 4,320 रुपये का इजाफा होगा। केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मौजूदा वक्त में 17% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस मिलता है। कर्मचारी अगस्त महीने से डीएनएस अलाउंस के बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने हाल में ही 4 सितंबर 2019 को पूरा किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है। मालूम हो कि लंबे समय से कर्मचारी ये मांग कर रहे थे। सरकार ने इसके साथ ही पेंशन भोगियों के पेंशन में भी इजाफा किया है। आपको बता दें, कर्मचारियों को उनके निवास स्थान और ड्यूटी स्थान के बीच आने जाने के खर्च के लिए परिवहन भत्ता टीए दिया जाता है। कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रेवलिंग अलाउंस टीए को केंद्र सरकार कर्मचारी की पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से तय करती है। 7वें वेतन आयोग के तहत शहरों के लिए न्यूनतम टीए 1,350 रुपये है, जबकि अधिकतम टीए 7,200 रुपये है। इसी तरह छोटे शहरों में 7वें वेतन आयोग के तहत टीए 900 रुपये से लेकर 3600 रुपये प्रति माह है। यह टीए जो है केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक सैलरी में खुद जुड़ के आ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो वेतन में इस बार जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो जो है आपके 800 रुपये से लेकर जो है 3600 रुपये तक छोटे शहरों में, और बड़े शहरों में जो है वो 800 रुपये से लेकर 4,320 रुपये तक आपके वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी टीए को लेके आज की लेटेस्ट न्यूज़। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं आगे ही ऐसे ही आपके वेतन से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।